good morning my dear students you are most welcome on our sanskaram youtube channel and by this video lecture number 19 is only for its competition sections and in this video we are discussing about the question number 61 to 65 of chapter number 2 they are the short question answer and today we complete the short question answer of chapter number 2 नव स्टार्ट सोल्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन दे हैव द टू पार्ट्स बेटा ध्यान से देखो इसमें टू पार्ट्स हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं उसने पूछा क्या हमसे विच डिजीज इज स्पेड बाय ए पार्ट फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो उसने पूछा है बीमारियां कौन सी बीमारियां फैलाते हैं हम उसने हमें कैरियर का नाम दे दिया है और अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो है वो कौन सी बीमारी फैलाएगा सो हमारा आंसर है सिक्सटी वन ए पार्ट और बी पार्ट दोनों का ही हमारा आंसर कहाँ मिलेगा आपको थर्टी टू एंड थर्टी थ्री नंबर पेज पर फर्स्ट में उसने पूछा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो और सेकंड में पूछा है फीमेल एडिज मॉस्किटो की कौन सी बीमारियां फैलाते हैं तो चलिए देखते हैं पेज नंबर थर्टी टू एंड थर्टी थ्री पर इज द आंसर ऑफ थर्टी सिक्सटी वन ए पार्ट फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया सो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो सेपरेट द डिजीज मलेरिया कौन सी बीमारी फैलाएगा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो मलेरिया और मले ये बेटा किससे फैलेगी मलेरिया प्लाज्मोडियम हमारा पैरासाइट है उससे फैलेगी बी पार्ट का और देख लेते हैं बी पार्ट में उसने पूछा था फीमेल एडीज मॉस्किटो तो पेज नंबर थर्टी टू तो थर्टी थ्री नंबर पेज पर देखते हैं हम पेज नंबर थर्टी थ्री आपको दिखाई दे गया है यहाँ देखिए ए डिजीज सेपरेट बाई मॉस्किटो इज़ डेंगू एंड द डेंगू इज काज बाई ए वायरस फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू तो हमारा फर्स्ट का आंसर था फीमेल एनोफ़्रिज़ मॉस्किटो सेपरेट द डिजीज मलेरिया एंड बी पार्ट का आंसर फीमेल एडिस मॉस्किटो सेपरेट द डिजीज डेंगू एक का आंसर क्या था बेटा मलेरिया और बी का आंसर क्या है डेंगू सो आर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ये स्टूडेंट्स सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन टू पार्ट्स बेटा इसमें भी दो पार्ट्स हैं और उसने पूछा नेम टू फ्रूट विच आर प्रिजर्व कि कोई दो फ्रूट्स के नाम बताइए जो प्रिजर्व किए जा सके जिन्हें संजोए रखा जा सके खराब होने से बचाया जा सके इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स कि अचार के रूप में जिन्हें खराब होने से बचाया जा सके उन्हीं कि नहीं उन दो फ्रूट्स के नाम बताइए दूसरा उसने बोला कि इन द फॉर्म ऑफ जैम और वो दो फ्रूट्स उनके नाम बताइए जिनसे हम जैम बना के उन्हें प्रिजर्व रख सकते हैं आंसर पेज नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन पेज पर हम इसका आंसर देखते हैं चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थर्टी सिक्स पे देख लीजिए आप बी पार्ट का आंसर आपको यहां मिलेगा इन फॉर्म ऑफ जैम जैम की फॉर्म में हम रख सकते हैं कि नहीं दो फ्रूट्स को तो आप यहां से ऑप्शन उठा लीजिए एप्पल मैंगो एप्पल और मैंगो दे आर द कि आप ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं एप्पल मैंगो ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाइन ऐप्पल गुआवा ये आप यूज कर सकते हैं तो आप एप्पल मैंगो या ऑरेंज में से कोई दो यूज कर सकते हैं दर द फ्रूट्स विच आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ जैम ये वो फ्रूट्स हैं जिन्हें हम जैम की फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं देखिए एप्पल जैम आपको ऐसे ही ऑरेंज जैम मिलेगा मैंगो जैम मिलेगा यहाँ पिक्चर में देखिए यहाँ एप्पल जैम आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे देखिए आप आपको ऑरेंज जैम दिखाई देगा ठीक है उससे पीछे आप देखिए आपको स्ट्रॉबेरी जैम दिखाई देगा तो आप कि नहीं दो फ्रूट्स के नाम इनमें से लिख सकते हैं यथा बी पार्ट का आंसर अब ए पार्ट का आंसर देखिए पेज नंबर थर्टी सेवन पे है इन फॉर्म ऑफ पिकल राम मैंगो एंड आमला उसने हमसे सिर्फ टू नेम पूछे हैं टू फ्रूट्स नेम तो हम एक रामेंगो यूज़ करेंगे दूसरा आंवला यूज करेंगे दिस इज आंसर ऑफ 62 ए पार्ट 62 ए पार्टी 62 के ए पार्ट का आंसर है और जो पेज नंबर 36 पे हमने देखा था वो 62 के बी पार्ट का आंसर है कि एप्पल एंड मैंगो ऑरेंज हम जैम की फॉर्म में प्रिजर्व रख सकते हैं कच्चा आम जो राम मैंगो बोल सकते हैं आंवला वो हम पिकल की फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इन सिक्सटी थ्री नंबर क्वेश्चन वट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बेटा इसने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है कि किस तरीके से ट्रांसमिट होंगी ये तीनों डिजीजी प्लांट डिजीज हैं ठीक है तो अपना आंसर अच्छा आपको मिलेगा पेज नंबर थर्टी फोर पर क्योंकि प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज पेज नंबर थर्टी फोर पर ही हैं तो चलिए देखते हैं देखिए फर्स्ट उसने पूछा हमसे रस्ट ऑफ वीट तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा फर्स्ट पॉइंट में कि द रस्ट ऑफ वीट डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड्स एयर एंड सीड्स ये हमारा फर्स्ट का आंसर कि रस्ट ऑफ रस्ट ऑफ वीट जो है उसमें ट्रांसमिशन किस फॉर्म में उसमें ट्रांसमिशन किस फॉर्म में है तो ये हमारा आंसर था फर्स्ट का अब देखिए सेकंड सेकंड में उसने पूछा सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर कैंकर में ट्रांसमिशन आपको सेकेंड पॉइंट पे मिलेगा द सिट्रस कैंकर डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर आंसर ऑफ सेकेंड फर्स्ट का आंसर क्या था कि द रेस्ट ऑफ वी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड्स एंड सिट्रस कैंकर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर थर्ड है बेटा येल्लो वेन मोजिक ऑफ बिंदी इसमें ट्रांसमिशन क्या है आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं वहां आपको इसका ट्रांसमिशन मिलेगा यस ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट देखिए यहां पर दलो फेनमोजिक ऑफ भिंडी डिजीजी ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट इसमें ट्रांसमिशन कैसे होगा इंसेक्ट के थ्रू हमारा आंसर सिक्सटी थ्री इज कम्प्लीट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर नेम एनी टू एनिमल डिजीज एंड टू प्लांट डिजीज काज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने हमसे पूछा बेटा कि नहीं दो एनिमल डिजीज का और कि नहीं दो प्लांट डिजीज के नाम बताइए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं तो वेरी सिंपल है so, हमने अभी पढ़ा का आंसर कि टू डिजीज तो वही हैं तो चलिए हम पेज नंबर थर्टी फोर पर चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कहाँ मिलेगा आपको पेज नंबर थर्टी फोर पर देखिए उसने हमें बोला था कि दो एनिमल डिजीज के नाम बताइए जो माइक्रोजम की हेल्प से होंगी तो हमारा आंसर इस हेडिंग में मिलेगा आपको देखिए एक बार ही रहा डिजीज काजिंग माइक्रो इन एनिमल्स सो आप कोई भी दो डिजीज ले सकते हैं फुट एंड माउट डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड दीज आर द डिजीज ऑफ एनिमल्स सो डिजीज एनिमल डिजीज में हम आंसर एग्जाम्पल देंगे पहले आप ना हेडिंग लिख लीजिए कि एनिमल डिजीज बाई माइक्रो फर्स्ट का फूट एंड माउथ डिजीज सेकेंड आप एंथ्रैक्स लिख सकते हैं आप एसपेराजलिशियस भी लिख सकते हैं कोई वो नहीं है बिकॉज दे ऑल थ्री आर माइक्रो ऑगजम दे ऑल थ्री डिजीज आर सेपरेट बाय द माइक्रो ऑगजम उसके बाद डिजीज काजिंग माइक्रो ऑग्जम इन प्लांट्स प्लांट्स में कि दो डिजीज जो माइक्रो ऑग्जम की हेल्थ से फैलेंगी तो सेम है आपको हेडिंग बना के लिखना है कि डिजीज एन प्लांट डिजीज बाई काज बाई माइक्रो ऑगजम तो आपको कोई भी दो लिख दीजिए आप यहाँ से आप फर्स्ट लिख दीजिए रेस्ट ऑफ वीट सेकेंड आप लिख दीजिए सिट्रस कैंकर और आप येलो वेन मोजिक वॉप भिंडी भी लिख सकते हैं तो आपके दोनों सिट्रस कैंकर एंड रेस्ट ऑफ वीट आपके सुटेबल रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव बट सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है स्टेट द काजिटिव माइक्रो ओगजम एंड मैथड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज उसने हमें ह्यूमन डिजीज़ के नेम तो दे दिए हैं लेकिन उसने पूछा है कि ये माइक्रो ओग्जम्स से जैसे बैक्टीरिया से हैं वायरस से हैं फंगस से हैं प्रोटोजोआ से हैं ये कौन से किस कैटेगरी के माइक्रो ओगजम से ये डिजीज़ जो है फैलेंगी और ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इनमें जैसे बाई एयर या कंटामिनेटेड फूड या वाटर चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर थर्टी थ्री और थर्टी फोर पे बेटा उसने सबसे पहले पूछा था टूबे क्या पूछा था सो टूबेटिव माइक्रोजम क्या है टूबे में बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर देखिए हम इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो हमें ऐसे ही सेम टेबल बना लेनी यहां तक थ्री पॉइंट ह्यूमन डिजीज का नाम लिख दिया ऊपर आपकी हेडिंग होगी कॉजिटिव माइक्रोएजम और थर्ड हेडिंग होगी आपकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये आपको छोड़ देना है ठीक है आपको सिर्फ ये थ्री बॉक्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में थोड़ा सा स्पेस दे देना इनमें ताकि आप थो अच्छा लगे तो टूबेरकलैसेस पॉजिटिव माइक्रोज़म, बैक्टीरिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यार सेकेंड पूछा था उसने मीजल्स मीजल्स है मोड काज़ेटिव माइक्रो किससे फैलेगी एक वायरस से मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एयर है चिकन पोक्स कारण क्या है इसका वायरस है बैक्टीरिया वायरस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड कॉन्टैक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट से भी फोर्थ पूछी उसने हमसे पोलियो सेम है पोलियो यहाँ भी है वायरस से एयर और वाटर हैं कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज है वाटर एंड फूड इसके ट्रांसमिशन मोड हैं उसके बाद है उसने टाइफाइड टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है हेपेटाइटिस बी मोड ऑफ काजेटिव माइक्रोक्म वायरस मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर नेक्स्ट डिजीज मलेरिया मलेरिया किससे फैलता है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम क्या है एक प्रोटोजोआ प्रोटोजोआन है और इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है बेटा मॉस्किटो डेंगू सभी को पता वायरस से फैलेगी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था फ्लैवी वायरस इसका नाम है डेंगू जो फ्लैवी वायरस से फैलता है और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है एडीज मॉस्किटो एडीज नाम का एक मॉस्किटो है फीमेल मादा मच्छर से बोलते हैं और मलेरिया के, के केस में फीमेल एनोफ्लीज मादा एनोफ्लीज बच्चा सो माई डियर स्टूडेंट्स आर टुडे लेक्चर इज कम्प्लीट Thank you. Thank you so much.